Hello and welcome my dear music lover friends. How are you? I hope all is well. Yeah? My name is Vizier, बजाता हूँ synthesizer. Okay, my name is Vizier, बजाता हूँ synthesizer. I'm a master. I teach very faster. Oh, very good rhyming. So, okay, leave it. हाँ, ये सब तो चलता रहेगा. So, I was waiting for you. For what? Yes, I want to teach you because you are waiting and I was waiting for you and you are waiting for me. So, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए minor scale. कैसे बजाते हैं? How to play minor scale? Yes, C minor, C# minor, D minor, D# minor और E flat minor. Lots of scale. All the scale how to play. मैं आपको बताऊँगा easy से easy तरीके से. Okay? I will not teach you whole long lesson. बड़े-बड़े लेसन नहीं बताऊंगा, छोटे-छोटे बताऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए. Okay, so I will teach you today G# minor scale. Okay, what G# minor scale? Yes, A flat. Okay, so here we go. G# minor scale and chord. G# note. Where is that? This is G# note, right? This is fourth black note from the C#. This is C# note and this one is G# note. C# and which? D# or E flat. After that F# note, third black. Then the fourth one is G# note. तो आपको पता होना चाहिए G# नोट की पोजीशन कहाँ पर है, कौन सा नोट होता है. ओके, स्केल में कौन कौन से नोट लगते हैं, कैसे प्ले करते हैं उसको, ये जानना ज़रूरी है. और जैसा कि आपको पता है कि मैं सबसे पहले इंडियन म्यूज़िकल नोट्स प्ले करके बताता हूँ, उसके बाद फिर वेस्टर्न. तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ इंडियन म्यूज़िकल नोट्स. वो कहाँ से शुरू होगा? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो शुरू होता है यहाँ से. तो G# का जो रूट नोट है, रूट नोट डेट फर्स्ट नोट, ओके, जो टोनिक होता है फर्स्ट नोट, वो होता है ये. किसी भी स्केल का रूट नोट जो उसका फर्स्ट नोट होता है वो रूट नोट होता है. रूट मतलब उसका रास्ता जो बनाने वाला होता है. तो ये हो गया इसका फर्स्ट नोट. देन B फ्लैट और A# नोट इज सेकेंड. 1, 2, then 3. This is B. Okay. After that, C# entering in upper octave, middle, upper, and lower. Okay. Once again, this one is middle, this one is upper, and this one is lower octave. So G#, then B flat. After that, B note, then C#. After that E flat or D#, then E, after that F#, and the last note is G#. Starting from G# and ending to G#. ऑक्टेव में जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर उसी नोट पर ख़त्म करते हैं, तभी वो ऑक्टेव 8 नोट तभी कंप्लीट होता है. ऑक्टा मीन्स 8. ओके, एंड इंडियन म्यूजिक में सप्तक बोलते हैं. सप्तक मीन्स 7 नोट, मीन्स सा रे गा मा पा धा नी. ओके, और सा हमने फिर लास्ट में बोल दिया तो वो ऑक्टेव. इंग्लिश में जो हम बोलते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में ऑक्टेव यूज करते हैं, इंडियन म्यूजिक में सप्तक. दोनों एक ही चीज़, बस बोलने और समझने का तरीका अलग है. दैट इज डिफरेंट. ओके, सो डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन ऑक्टेव एंड सप्तक, बोथ आर सेम थिंग. ओके, सो वंस अगेन सा रे गा, दिस इज कोमल गा. सा रे गा पा पा दा नी सा सा रे गा पा पा दा ये हुआ आपका इंडियन म्यूजिकल नोट्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले लेसन में कि माइनर में गा धा नी मीन्स 1 2 3 थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 गा धा नी सारे गा मा पा धा नी गा धा नी सा। तो गा धा नी ये कोमल हो जाता है, ठीक है। वेस्टर्न म्यूजिक में कोमल और तीव्र से कोई मतलब नहीं होता, हमारे इंडियन म्यूजिक में होता है। वेस्टर्न म्यूजिक में आपको पता है कि सारे नोट्स के नाम फिक्स। इंडियन म्यूजिक में ऐसा होता है कि इसको हम सा मान सकते हैं, ये भी सा हो सकता है, ये भी सा हो सकता है, ये भी सा होता है, जहाँ शुरू करेंगे वहीं से सा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक में सारे नोट्स के नाम फिक्स हैं, वो कहीं पे भी जाओगे उसका नाम, अगर फर्स्ट ब्लैक दैट मीन्स की C#, दिस इज C#। लेकिन डिफरेंस क्या है? पिच का डिफरेंस है। इसकी फ्रीक्वेंसी लिटिल बिट लो, हायर देन द दिस, ओके। और ये C# इससे भी ज्यादा, तो पिच में ये डिफरेंस होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ जाती है, ओके। सो सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। नाउ वेस्टर्न म्यूजिकल नोट्स वो क्या है? G#, B flat, B, C#, D# और E flat, E, F# and G#, G#, F#, E, D#, C#, B, B flat, then in the last G#, ठीक है। ये आपका हुआ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियन म्यूजिकल नोट्स एंड वेस्टर्न म्यूजिकल नोट्स। इंडियन म्यूजिकल नोट्स जो सिस्टम है वो हारमोनियम जो प्ले करना चाहते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। बजाने का तरीका एक है, चाहे हारमोनियम बजाइए या कीबोर्ड बजाइए या पियानो बजाइए। नोट्स नेम This time is for chord learning. Yes, chord is the only three note, basic three note. Okay, not more than. He start. Here we go. There's nothing change. Okay. Now, I will teach you how to play chord. Chord कैसे play करते हैं? G# minor chord. अब G# minor chord में आपको जैसा कि मैंने बताया है कि गा धा नी कोमल होता है, और प्रीवियस लेसन में मैंने बताया हुआ आपको कि किसी भी स्केल का मेजर या माइनर, किसी भी स्केल का नोट नंबर 1, नोट नंबर 3 एंड नोट नंबर 5, ओके। फर्स्ट दैट मीन्स रूट नोट एंड आफ्टर द रूट नोट थर्ड नोट 1 2 3, दिस वन इज 3 4 एंड फिफ्थ नोट, तो 1 3 5, बस रूट नंबर 135, ओके। सो तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई कॉर्ड के लिए। ये G#, B, D# और E flat, प्ले थ्री नोट टुगेदर, तीनों को एक साथ प्ले कीजिए तो आपको G# कॉर्ड मिल जाएगा। सेम चीज आप प्ले करोगे इस साइड में, ये आपका कॉर्ड सेक्शन है कीबोर्ड में, जब आप अकॉम्पनीमेंट के लिए यूज करोगे ये, और पियानो में ठीक है ये ऐसे हो गया, और अकॉम्प के लिए जब यूज करोगे कीबोर्ड में आप ऐसे यूज करोगे, ठीक है। तो ये इधर ये हो गया और इस तरफ ये हो गया, तो ये G# नोट हो गया। और अगर इसमें एडिशनल नोट ऐड करोगे तो वो ऐसे हो गया, ये D# लोअर ऐड कर लोगे, ये D# अपर ऐड कर लोगे, ये D# मिडिल का यूज कर लोगे, मिडिल ऑक्टेव का, ये अपर ऑक्टेव का D# यूज कर लोगे, और चारों नोट एक साथ प्ले करोगे तो क्या होगा, इस नोट को ऐड कर देने से क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी से आपकी साउंड बैलेंस हो गई और बीच के नोट हो गया, तो ये ऐसे हो गया। अदरवाइज ये डिफरेंस देख रहे हैं, ये इसके लग रहा से थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ आ जाती है, तो उसको जो शार्पनेस है वो बैलेंस हो जाती है। तो इट्स डिपेंड अपॉन कि आप कैसा प्ले करते हो, कहाँ पे आपकी क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस कॉम्पोजिशन में कितना, तो आप उतना नोट प्ले करो। तो ये फोर्थ नोट के साथ हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, जी शार्प माइनर कॉर्ड, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं बताऊंगा आपको हमिंग साउंड। हमिंग साउंड कैसे यूज होता है, इसमें किसी भी जी शार्प नोट में जो हम साउंड तीन जो बेसिक लगते हैं, जो बेसिक थ्री नोट्स होते हैं कॉर्ड के, उसी को हम वन बाय वन अगर प्ले करें तो देखिए तीनों जो हम साउंड मिल करके जी शार्प जो कॉर्ड बजा रहे हैं वो क्या हुआ, ये तीनों इंडिविजुअल नोट अलग अलग हैं, ठीक है, ये तीनों की आइडेंटिटी अलग अलग है, लेकिन जब हम तीनों को एक साथ प्ले करते हैं तो कंपाउंड साउंड जो कॉर्ड का बन रहा है वो क्या बनेगा, वही जी शार्प कॉर्ड वही कहलाएगा जो कंपाउंड साउंड निकल के आता है, दैट इज उसका बेस, राइट। एंड हम साउंड में दूसरा क्या है, एंड थर्ड इज, ये इसका हमिंग साउंड हो गया, जो कि गाने को जब आप प्ले करोगे तो ये बेसिक जी शार्प माइनर के गाने में ये तीन नोट आपको बेसिकली आपको मिलेंगे। और यही आपको पहचानना है कि हम साउंड में कौन सा नोट लग रहा है, वो जो गाना प्ले करना चाहते हो उसमें वो हम साउंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो आपको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए आपको बार बार इसकी स्किल को प्ले करना पड़ेगा, जैसे कि ये स्वर आपके दिमाग में, ये म्यूजिकल नोट्स आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, ये साउंड आपके साउंड सेंस में कन्वर्ट हो जाए, तभी आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओ। जब कोई आप गाना सुनोगे तो पता लगेगा कि हाँ ये मेजर में है या माइनर में है। ये माइनर हो गया, 1 2 3। अब इसको अगर हमको मेजर बनाना होगा तो क्या करेंगे, इस थर्ड नोट को बस फोर्थ में कन्वर्ट कर दें, 1 2 3, ये लगा, ये मेजर का नोट है, सारेगा, शुद्ध गा यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेजर। और जब इसको एक नोट पीछे कर देंगे, हाफ नोट बैक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्लैट जिसको बोलते हैं, मीन्स ये सी है, सी फ्लैट क्या हो गया, वो बी नोट कहलाएगा, फ्लैट मीन्स बिफोर, तो वो हो जाएगा जी शार्प माइनर, एंड जी शार्प माइनर, जी शार्प माइनर, ये जी शार्प मेजर, जी शार्प माइनर। तो सिर्फ गा की पोजीशन चेंज करने से आपको मेजर माइनर इमीडिएट यू कैन फाइंड, राइट। जब ये लग गया तो बाकी दोनों जो आप उधर माइनर लगे हुए नोट, वो दो गा और नी, गा तो ये हो गया, नी और जो धा है वो बदल जाएगा, तो आपको मैंने बताया जी शार्प माइनर, इंडियन स्केल, वेस्टर्न स्केल एंड कॉर्ड, हम साउंड। इन चारों चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसके जो इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, 4 2 3 इंटरवल्स के जब आप यूज करो, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो आप प्रैक्टिस कीजिए जी शार्प माइनर स्केल, इंडियन, वेस्टर्न, कॉर्ड का और उसके साथ हमिंग साउंड का, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि साउंड सेंस आपके ब्रेन में बैठ जाए, तो जब गाना सुनो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और बहुत जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ, सो सी यू सून। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपको सिखा कर, आई एम वेरी हैप्पी टू टीच यू। आपको कैसा लगा? प्लीज सेंड मी योर फीडबैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप में और ईमेल में, आप कुछ भी कहीं पर भी भेज सकते हैं। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी सॉन्ग, सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, ओके। टिल देन आई एम गोइंग टू प्रिपेयर न्यू लेसन्स फॉर यू। टिल देन keep practicing at home, okay? Keep practicing at home. It's the health and it's just that God bless you all. Okay, bye.